आईपीएल 2024 में आज हुए डबल हेडर के पहले मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद ने पंजाब किंग को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही पॉइंट टेबल में 17 अंक के साथ टीम दूसरे नंबर पर आ गई। हालांकि दूसरे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद की जगह पक्की नहीं हुई थी। लीग स्टेज के आखिरी मुकाबले में अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को राजस्थान रॉयल हरा देती तो हैदराबाद तीसरे नंबर पर फिनिश कर सकती थी। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया। पंजाब किंग ने 5 विकेट खोकर पहली पारी में 214 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद ने 6 विकेट खोकर 19.1 ओवर में टारगेट चेज कर लिया। हैदराबाद की ओर से अभिषेक शर्मा ने अर्धशतक जमाया। उन्होंने 28 गेंदों का सामना कर 40 रनों की पारी खेली और उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना। अभिषेक शर्मा अपने 66 रन बनाने के लिए 28 गेंदों का सामना किया जिसमें की 6 चौके और 5 छक्के लगाए थे। स्ट्राइक रेट 235 का रहा और उसका बता दे दोस्तों कि अभिषेक शर्मा ने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम को शानदार जीत दिलाया। और आपको बता दे दोस्तों कि जिस तरह से हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा लगातार बैटिंग कर रहे हैं उसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे मानो कि इन फ्यूचर इंडियन क्रिकेट उससे दूर नहीं है। पंजाब की ओर से प्रभ सिमरन सिंह 68 लगाया। उन्होंने 45 बॉल पर 71 रनों की पारी खेली। उनके अलावा रिली रूसो 49 और अर्थवर्थ तायदे 40 रन बनाए। हैदराबाद की ओर से टी नटराजन 2 विकेट झटके पैट कमिंस और विजयंता को 1-1 विकेट मिला। संसाक सिंह रन आउट हुए। वहीं टारगेट का पीछा कर रही हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन अभिषेक शर्मा ने बनाए। उन्हें उनके अलावा हैंडी क्लासेन ने 25 गेंदों पर 42 रन बनाए। इन दोनों के अलावा नीतीश रेड्डी 37 और राहुल त्रिपाठी 33 रनों की पारी खेली। पंजाब की ओर से हर्षल पटेल और अर्षदीप सिंह को 2-2 विकेट मिले। हरप्रीत ब्रार और संसाक सिंह को 1-1 विकेट मिला। दोस्तों आपको बता दे कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे अभिषेक शर्मा ने इस मैच को अपने कंधों पर जीता दिया। जिस तरह से बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा का चल रहा है उसको देख करके ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि ये टीम आने वाला क्वालिफायर मैचों में भी शानदार प्रदर्शन करेगी और फाइनल तक अपना सफर तय करेगी। पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर हैदराबाद की टीम बेहद ही शानदार लय में दिख रही है। दोस्तों आपको बता दें पैट कमिंस वही कप्तान है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता के दिलाया था। दोस्तों आपको बता दें कि पैट कमिंस के अलावा यहां पे हेनरी क्लासेन भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं हर एक मैच में। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु का मुकाबला राजस्थान रॉयल या फिर सनराइजर्स हैदराबाद में से किसी एक से होगा। दोस्तों आपको बता दें यहां पे रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के कोच भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम क्वालिफायर मैच ही नहीं जीतेंगे बल्कि फाइनल भी जीतेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों कि रॉयल चैलेंज बेंगलोर विराट कोहली को ये लास्ट विदाई फाइनल ट्रॉफी दे सकता है या नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। एक नजर डालते हैं अभिषेक शर्मा के आईपीएल 2024 के रिकॉर्ड्स पर। 13 इनिंग में अभिषेक शर्मा ने 467 रन बनाए 38-92 की एवरेज से, 209 के स्ट्राइक रेट से, 41 सिक्सेस, 35 फोर्स और 350 लगा चुके। दोस्तों आपको बता दें 41 छक्के और 35 चौके और 350 भी जड़ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ ही अभिषेक शर्मा आईपीएल 2024 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए सिक्सर्स की। इससे पहले विराट कोहली था लेकिन विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ अभिषेक शर्मा नंबर 1 पे काबिज हो गए। मोर सिक्सेस दिस आईपीएल, फ्यूचर इज हियर, स्टार इज हियर। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से फास्टेस्ट 50, दोस्तों आपको बता दें हैदराबाद के लिए सबसे तेज 50 रन का भी रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम हो चुका है। 16 गेंदों पर अभिषेक शर्मा ने 2024 में ही 50 जड़ा। 19 गेंदों पर, 21 गेंदों पर, उससे पहले 23 बॉल पर युवराज सिंह के नाम 2017 का रिकॉर्ड था। अभिषेक शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगा। और अभिषेक शर्मा का इस आईपीएल में कुछ इस प्रकार से रिकॉर्ड रहा है, 19 गेंदों पर 32, 23 गेंदों पर 63, 20 गेंदों पर 29 और 12 गेंदों पर 37, 11 पे 16, 22 पे 34, 12 पे 46, 13 पे 31, 9 पे 15, 10 पे 12, 16 पे 11, 28 पे 75 और इस मैच में 27 पे 66। आपको क्या लगता है दोस्तों कि अभिषेक शर्मा फ्यूचर स्टार है या नहीं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं।